हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय सन नितेश। और आज के इस लेक्चर में हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी में ओम्स लॉ के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, ओम्स लॉ को एक जर्मन साइंटिस्ट जॉर्ज साइमन ओम्स ने बताया था। ये लॉ क्या बताता है? करंट और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच का रिलेशन बताता है। इसके स्टेटमेंट को देखते हैं। इफ द फिजिकल स्टेट ऑफ द कंडक्टर रिमेंस कॉन्स्टेंट, द करंट आई फ्लोइंग थ्रू इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इट टू एंड्स। फिजिकल स्टेट से मतलब क्या होता है कि उस पर्टिकुलर सर्किट का जो वायर होगा, उसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया होगा, उसका जो लेंथ होगा, टेम्परेचर होगा, मटेरियल होगा, वो क्या रहना चाहिए? हमेशा कांस्टेंट होना चाहिए, वो चेंज नहीं होना चाहिए। तो फिजिकल स्टेट अगर कांस्टेंट का किसी भी सर्किट का, ठीक है, तो उसका जो करंट होगा, उसमें जो करंट फ्लो हो रहा होगा, वो पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रपोर्शन होगा। करंट जो होगा वो क्या होगा? पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रपोर्शन होगा। तो यहां से हम लोग इसको एक्सप्रेशन के फॉर्म में लिखते हैं, करंट फ्लोइंग थ्रू इट इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस। करंट को हम लोग आई से रिप्रेजेंट करते हैं और पोटेंशियल डिफरेंस को बी से रिप्रेजेंट करते हैं। और दोनों के बीच में रिलेशन कैसा है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का। तो मैं क्या बोल सकता हूं? करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस। अब मुझे यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा के इक्वालिटी लाना है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एक कॉन्स्टेंट रखूंगा। जब भी हम प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं और वहां पे इक्वालिटी लाते हैं, तो उसके साथ क्या आता है? कॉन्स्टेंट टर्म आता है। ठीक है, अगर हमारे पास कोई स्पेशल कॉन्स्टेंट है तो हम लोग वहां पे वो कुछ लिखेंगे, जो भी स्पेशल कॉन्स्टेंट होगा। इनकेस हमारे पास स्पेशल कॉन्स्टेंट नहीं, तो हम लोग मोस्ट कॉमन कॉन्स्टेंट यूज करते हैं के। तो के इंटू वी, अगर मैं के को ए साइड लेके आ जाऊं तो क्या हो जाएगा? ये के वन बाय के हो जाएगा। ओके, डिवाइड में आ जाएगा, तो उसको वन बाय के फॉर्म में लिख सकता हूँ, इज इक्वल टू वी। ठीक है, अब इस वन बाय के को, इस वन बाय के को हम लोग लिखते हैं एक स्पेशल कॉन्स्टेंट आर से, सिंस वन बाय के इज इक्वल टू आर। तो यहाँ पे आर वन बाय के जगह मैं क्या लिखूंगा? आर लिखूंगा इज इक्वल टू V। ये R बेसिकली क्या है? ये R क्या है? रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर, रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। जिस कंडक्टर से फ्लो हो रहा है करंट, उसका रेजिस्टेंस होगा। ठीक है, रेजिस्टेंस मतलब क्या होता है? बेसिकली करंट के डायरेक्शन को अपोज करता है, करंट के फ्लो को अपोज करता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस। तो ये पर्टिकुलर जो आपका एक्सप्रेशन दिख रहा है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ओम्स लॉ। यही क्या है? ओम्स लॉ, जो क्या बता रहा है? पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के बीच का रिलेशन बता रहा है। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, V इज इक्वल टू आई आर। अदरवाइज मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, R इज इक्वल टू V अपॉन I। तो रेजिस्टेंस क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन करंट। ठीक है, और रेजिस्टेंस की एसआई यूनिट होती है, एसआई यूनिट क्या होती है रेजिस्टेंस की? ओम्स होती है, ओम्स, जिसको हम लोग सिंबॉल के थ्रू ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इसके क्या है? ओम का सिंबॉल है। ओके, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।